हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे झारखंड में जो है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति और यहाँ पे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति और प्लस टू शिक्षक नियुक्ति के लिए यहाँ पे देखिए वैकेंसीज की अपडेट आई है। जैसा कि इसमें आज नई अपडेट आई है जो कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति से लेकर है कि यहाँ पे देखिए हाई स्कूल में कितनी सीटों पे वैकेंसीज हैं, प्लस टू स्कूल में कितनी सीटों पे वैकेंसीज हैं और पीआरटी के लिए कितनी वैकेंसीज निकालने वाली है। तो देखिए जैसा कि गवर्नमेंट हमारी लेट कर रही थी तो यहाँ पे देखिए उसकी जो है नियुक्ति स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग की समीक्षा की। यहाँ पे लगातार समीक्षा तो हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से आदेश भी मिल रहा है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये अभी देखिए रुका हुआ है। तो उसी के लिए यहाँ पे डेट आई है, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लाए तेजी, पढ़ाई न हो प्रभावित, क्योंकि शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ाई तो प्रभावित होगी। यहाँ पे देखिए सीएम का क्या आदेश है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक नियुक्ति मॉडल स्कूल में सरकारी स्कूलों में आईसीटी कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की व्यवस्था, वहां सॉफ्टवेयर और ई कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट किए जाए, मध्य विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित किए जाए, सरकारी स्कूलों में बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय में शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। शिक्षा सचिव राजेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासनिक पदों समिति की स्वीकृति मिल गई है। यानी देखिए जो आचार्य के पद हैं उसमें कितनी बहालियां होंगी हमारी, तो 50,000 पे बहाली होंगी। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी है। उसके बाद बात करते हैं प्लस टू विद्यालयों में कितने पद हैं, तो प्लस टू विद्यालय में 5,610 शिक्षकों की बहाली होगी और 690 प्रयोगशाला के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जबकि मॉडल स्कूल में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण वेक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, जेपीएससी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार मौजूद थे। तो यहाँ पे देखिए कितने पदों पर बहाली होने वाली है, तो हमारे झारखंड में जो है पीआरटी यानी कि जो आचार्य के पद हैं, जो जितने जेटेड पास हैं उसमें देखिए कितने हैं, तो 50,000 पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बात करते हैं प्लस टू के लिए, तो प्लस टू के लिए यहाँ पे देखिए 5,610 यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होगी। तो इस तरीके से देखिए शिक्षकों की बहाली होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और हाई स्कूल के लिए यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है उसमें कितनी बहाली होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार इसमें विजिट करें डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि और नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना। जैसे कोई और अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराती हूँ। तो जल्दी से इस वैकेंसी की अपडेट आ जाए। तो देखिए इसमें कितना समय लगता है, हालांकि इसमें देखिए लगभग सारी प्रोसेस हो गई है। जल्दी से इसकी जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दें। आपको क्या कहना है आप जरूर बताइएगा।